ये है कोकोनट की मलाई। इससे आइसक्रीम कैसे बनाई जा सकती है घर की बनाई हुई खुद की ओरिजिनल, तो मैं एक बार ये आपको बता देता हूँ इंग्रेडिएंट्स की, बॉक्स खोल के भी चेक करा देता हूँ। ये आइसक्रीम इज रेडी टू बी सर्व। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, खुरम जारी, वनकम मजामा। तो आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है। ये है कोकोनट की मलाई जो नारियल पानी वाले नारियल में निकलती है। इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी कि इससे आइसक्रीम कैसे बनाई जा सकती है, तो वही मैं बस ट्राई करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रॉपर वीडियो उसी को डेडिकेटेड होगी ये वाली। कभी आप लोगों में से किसी के दिमाग में भी खुराफात जागे और टेस्ट बड्स जागृत हों तो आइसक्रीम खाने का मन करे कोकोनट वाली घर की बनाई हुई खुद की ओरिजिनल, तो मैं एक बार ये आपको आइटम्स बता देता हूँ इंग्रेडिएंट्स की क्या क्या लगेंगे आइसक्रीम में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हैं कोकोनट मिल्क, ये चीनी पिसी भी चाहिए थी बट अभी है नहीं तो इसको पीसेंगे, और ये है फ्रेश क्रीम अमूल की, ये मेन कोकोनट की मलाई और मिल्क पाउडर। तो अब सबसे पहले ये चीनी जो बाउल में मैंने दिखाई है आपको, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तो गाइज ये चीनी पिस चुकी है, अभी बस जो कोकोनट वाली मलाई है ये थोड़े ज़्यादा बड़े चंक्स पीसेस हैं इसके, ये भी पीसते हैं और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी इसमें मलाई में कोकोनट मिल्क ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पेस्ट बनाने के लिए। ठीक, कोकोनट के थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लिए ताकि इसमें मिक्सी भी कम पावर की है तो पीसने में आसानी रहे। बैटर तो गाइस थिक सा बनने लगा है जैसा दिखाया वैसा। दूसरा इंग्रेडिएंट है ये मिल्क पाउडर, इसको आप आइसक्रीम बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं और जो इसके शौकीन है वो ऐसे हाथ में लगा के चाट भी सकते हैं, टेस्ट्स गुड। गाइस वो वाली मिक्सी छोटी फट रही थी तो इसलिए बड़ी वाली निकाली, क्योंकि ये जितना भी पेस्ट है वो छोटी वाली में नहीं मिक्स हो पाएगा दोबारा। जार में इसमें हमने वो पेस्ट डाल लिया है मलाई वाला, अब इसमें एक कटोरी के आसपास आपको पिसी हुई चीनी डालनी है और फिर एक कटोरी के आसपास ये डालना है मिल्क पाउडर, लगभग ही एग्जैक्ट एक कटोरी नहीं पर लगभग एक कटोरी के आसपास अमूल की ये वाली फ्रेश क्रीम डालनी है। अपने फ्लेवर के हिसाब से आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हो बट मेरे पास वो है नहीं तो इसलिए मैंने डाला नहीं, कोई ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता, उससे टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं आता, बस वो एक फ्रेग्रेंस टाइप के लिए होता है और जिन लोगों को पसंद है उनके लिए। पेस्ट बन चुका है गाइस, अब इसको एक बाउल में कर लेंगे और अब इसमें कोकोनट की मलाई के जो बचे हुए पीसेस थे ये छोटे छोटे पीस में कर लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। तो गाइज इतने छोटे कुछ पीसेस में काट लेंगे, अब इसे पेस्ट में मिलाना है। बैटर जो था पेस्ट उसमें मलाई के जो छोटे छोटे टुकड़े थे मिक्स करने के बाद, कोई भी ऐसा आपके घर में कोई आइसक्रीम का बॉक्स होगा उसको साफ करके वो बैटर आइसक्रीम के बॉक्स में करना है। अभी ये बैटर बॉक्स में कर लिया है, इसके बाद इसको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में, क्योंकि अगर फ्रिज में रखोगे तो आइसक्रीम जमेगी नहीं, फ्रीज़र में रखना है कम से कम 8-10 घंटे के लिए और अगर हो सके तो 3-4 घंटे बाद एक बार चेक कर लेना है, अगर वो नहीं जमी है तो एक बार दोबारा मिक्स करके उसको दोबारा रख देना है। 8-10 घंटे बाद आपकी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी और आप उसे खा सकते हैं। बैटर बॉक्स में रखा जा चुका है गाइस, और ये जो फ्रीजर में रखना है इसका बॉक्स बंद करके रखना है, ये मत समझना कि खुला बॉक्स विदाउट ढक्कन
रखना है, ढक्कन अगर लग रहेगा तो ज़्यादा बेटर कूलिंग होगी, ज़्यादा अच्छे से आइसक्रीम जम पाएगी। अब गाइस इसको फ्रीजर में रख देते हैं कम से कम 8-10 घंटे के लिए। तो गाइस आइसक्रीम मैंने बीच में चेक करी थी, रेडी हो चुकी है लगभग, मतलब खाने लायक बन चुकी है थिक। अभी उसे पहले निकालते हैं एक बार फ्रीजर में से। एक बारी बॉक्स खोल के भी चेक करा देता हूँ आपको कि सही में तैयार हुई है कि नहीं। जिस हिसाब से है ये तो सही तो बन रही है, ठीक है निकाल के देखता हूँ एक बार। अभी तो ये तो टाइट तो इतनी लग रही है निकालने से कि भाई बहुत ज़्यादा जम गई है, पता नहीं खाई भी जाएगी कि नहीं। सो जी आइसक्रीम इज रेडी टू बी सर्व्ड। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और रेसिपी अगर आप वीडियो को देखने के बाद घर पे ट्राई करो और आपसे भी ठीक ठाक मेरी तरह आइसक्रीम बन जाए तो प्लीज़ एक और लाइक करवा देना दूसरे अकाउंट से किसी से, और कमेंट भी ज़रूर करना।